हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में। इससे पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका जो कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में थे। अगर आपने वो नहीं देखी, आपको जाके उसे देखना चाहिए। आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में जानकारी होगी, आपको किस तरीके से चार्ट पे दिखाई देता है। फिलहाल हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, इससे पहले हमारी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड किए। वे आपको जाके देखने चाहिए, नहीं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक कैटेगरी मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको 13 एपिसोड मिल जाएंगे और आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इस वीडियो पे फोकस करो, यहाँ पे हम इसे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे, पहले समझेंगे ये आपको चार्ट में किस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज हम इसका डिस्कशन करेंगे, आपको कैसे पहचानना है, कहाँ पे आपको हेड दिखाई दे रहा है, कहाँ पे लेफ्ट शोल्डर दिखाई दे रहा है, कहाँ पे हेड दिखाई दे रहा है, कहाँ पे लेफ्ट शोल्डर दिखाई दे रहा है, कहाँ पे राइट शोल्डर दिखाई दे रहा है। इन सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे इसका ट्रेड सेटअप क्या होगा, आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, आपको स्टॉप लॉस यानी कि एसएल कहाँ पे लगाना है, उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, हम सीधा चार्ट्स पे जाएंगे और उनकी मदद से एग्जाम्पल देखेंगे और इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं आपको चार्ट में किस तरीके से दिखाई देगा। आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि आपको पहले क्या देखने को मिलेगा, आपको पहले एक डाउन ट्रेंड इसमें देखने को मिलेगा। डाउन ट्रेंड से आप समझ गए कि यानी कि ये बॉटम में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहां से हम दो चीजें समझेंगे। पहला, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न दिखाई दे, वहां पे आपको दो चीजें समझनी होती है। पहली, अगर हम इसकी बात करें यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की बात करें, तो ये डाउन ट्रेंड के बाद दिखा रहा है, यानी कि अगर आपने कोई सेलिंग पोजिशन बनाई हुई है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां से रिवर्सल हो जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें नई एंट्री लेने की। नई एंट्री कैसे लेनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या ट्रेड सेटअप होगा इसका, कहां पे ब्रेकआउट मिलेगा या कहां पे सपोर्ट ले रहा है, सारी चीजें का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहां से हम समझ गए, अगर पहली एंट्री बनी हुई है प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। दूसरी चीज, हमें नई एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये चीज आप समझ गए। तो यानी कि हमने अभी तक क्या देखा कि आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा जो कि आपका लेफ्ट शोल्डर बनेगा। कब बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और ये सपोर्ट इस वाले सपोर्ट से कहां है, नीचे है। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और ये रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस से नीचे है। अब ये नीचे ऊपर भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है और ये वाला सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है ये इस वाले पहले वाले सपोर्ट से नीचे है और हेड इन दोनों से नीचे है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, अब ध्यान से समझो, यहां पे समझना काफी जरूरी है। काफी लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि वे इसी की मदद से किसी भी पैटर्न को नहीं समझ पाते या मार्केट में पहचान नहीं पाते। मान लो मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आया, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया यहां पे किसी लेवल पे और यहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा दिया। यहां पे मार्केट ने करा किसी भी लेवल पे, कोई भी लेवल हो सकता है, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो इसका मतलब आपका एक लेफ्ट शोल्डर बन गया। फिर मार्केट ने फिर से वहां से गिरावट दिखाई, गिरावट दिखाई और फिर मार्केट ने किसी लेवल पे सपोर्ट ले लिया, पहले वाले सपोर्ट से नीचे सपोर्ट लिया, ये आपका क्या बन गया, हेड, क्योंकि यहां से फिर से मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया। फिर इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से गिरावट दिखाई, इस लेवल पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया
और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, ये आपके क्या बन गया, राइट शोल्डर बन गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहां पे हमें क्या समझना है, ध्यान से देखना, जो ये लेफ्ट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर है, ये बराबर भी हो सकते हैं, यानी कि सेम ही लेवल पे हो सकते हैं। ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये आपको इस तरीके से, ये सेम ही लेवल पे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहां पे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये उल्टा भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, दोनों हेड से ऊपर होने चाहिए। जो हमारी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की जो कंडीशन थी वो अलग थी, वो आप उस वीडियो में जाके देखिए। ये जो कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की कंडीशन की बात कर रहे हैं। समझ गए आप अच्छे तरीके से, मैं फिर से बता रहा हूं, ये समझना काफी जरूरी है। काफी लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि सर आपने यहां पे ये ऊपर बताया था, ये नीचे बताया था, अब ये उल्टे हो गए। ये बराबर भी हो सकते हैं, सेम ही लेवल पे भी हो सकते हैं, या एक दूसरे के ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन हेड से ऊपर ही रहेंगे, यानी कि हेड इन दोनों से नीचे रहने वाला है। अब एक और बात समझो, काफी लोगों को यहां पे भी कंफ्यूजन आ गया, अगर हेड बराबर हो गया इनके, यानी कि ये बना हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये बन गया हेड, ये बन गया राइट शोल्डर, तो क्या हम इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न मानेंगे? नहीं मानेंगे। हेड इन दोनों के कभी भी बराबर नहीं होगा, तब हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। हेड इन दोनों से नीचे ही होना चाहिए। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब दूसरा समझो, अब जो ये आपको ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस भी बराबर हो सकते हैं, यानी कि सेम ही लेवल पे भी हो सकते हैं। जैसे ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये नीचे दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, या फिर ये ऊपर हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, ये भी हो सकते हैं। यानी कि बिल्कुल लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर की ही कंडीशन यहां पे भी अप्लाई होती है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। समझ गए आप अच्छे तरीके से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल पे आपको सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि यहां से जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे नेक लाइन कहते हैं, और ये अब तो ऐसे ड्रॉ हो रही है, देखो ऐसे ड्रॉ हो रही है, ये ऐसे भी ड्रॉ होगी, ये सीधी भी ड्रॉ होगी, ये इस तरीके से भी ड्रॉ हो सकती है, इस तरीके से भी ड्रॉ हो सकती है, यानी कि ऊपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आ गया अच्छे तरीके से। यहां पे एक डिस्कशन और करते हैं। अब यहां पे जो एक क्वेश्चन उठता है कि जो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है और हेड है, इसके बीच कितनी कैंडल होनी चाहिए, या फिर जो ये हमारा हेड है या राइट शोल्डर है, इसके बीच कितनी कैंडल होनी चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 7 से 7 to 8 कैंडल आप कह सकते हैं, इसके बीच कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करें, ध्यान रखना यहां पे इंट्राडे में टाइम फ्रेम रहेगा, या तो 5 मिनट का ले सकते हैं आप, या 15 मिनट का, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, या फिर जो भी कर रहे हो, वहां पे जो टाइम फ्रेम लेंगे आप, 1 डे का टाइम फ्रेम लेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको 3 to 4 वीक होने चाहिए बीच में, यानी कि लेफ्ट शोल्डर और हेड के बीच में, और हेड और राइट शोल्डर के बीच में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो 7 to 8 मंथ होने चाहिए। समझ गए आप अच्छे तरीके से। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, टाइम फ्रेम आपको लेके चलना है, 1 डे का टाइम फ्रेम आप यहां पे लेके चलेंगे। समझ गए आप अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जो आगे आती है हमारी, ये नेक लाइन हो गई। अब इसका क्या रोल है, इसका रोल मेन समझ में आएगा आपको जब हम इसका ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहां पे ये समझ लो कि नेक लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे। ये जो हमारा पहला रेजिस्टेंस बना था और जो ये दूसरा रेजिस्टेंस बना था, इसके हाई को मिलाओ और इसके हाई को मिलाओ, दोनों को मिला के लाइन आगे एक्सटेंड कर दो, क्योंकि ये जो नेक लाइन है ये हमारी ट्रेड लेने में, यानी कि मार्केट में पोजीशन बनाने में मदद करेगी। कैसे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा वीडियो में, जब हम ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहां पे ये सारी चीजें समझ गए अच्छे तरीके से समझ गए। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को वापिस जाके देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे मेन चीज, इसका ट्रेड सेटअप आपको कैसे करना है, यानी कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, एंट्री कहां पे लेनी है, आपको मार्केट में
प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो हमने अभी डिस्कस किया है। मेन जो है ट्रेड सेटअप में वो है ये नेक लाइन, और ये ड्रॉ कैसे करनी है, ये जो रेजिस्टेंस का हाई था वो ले लिया, सेकंड जो रेजिस्टेंस का हाई था वो ले लिया, इन्हें मिलाया और आगे एक्सटेंड कर दिया हमने। यहां तक समझ में आ गए? अब जो यहां पे हमें देखना है, आपको एंट्री लेनी है जैसे ही इस नेक लाइन का आपको ब्रेकआउट मिला। इस वाली कैंडल पे आप कह सकते हैं ब्रेकआउट मिल गया। ये देखो ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, इसने प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए। हालांकि इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन क्लोजिंग इसने कहां पे दे दी, क्लोजिंग इसने नीचे दे दी, आपको गिरावट दिखा रही है रेड कैंडल, यानी कि प्रॉपर आपको इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस ग्रीन वाली कैंडल पे आपको दिखाई दे रहा है इसका ब्रेकआउट मिला, क्लोजिंग ऊपर हुई, ओके एंट्री आप नेक्स्ट कैंडल पे लेंगे। फिर से ध्यान से समझो, जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उससे अगली कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। समझ गए अच्छे तरीके से? अब स्टॉप लॉस कहां लगाना है, दो तरह के होते हैं। कुछ लोग आपको क्या कहेंगे, जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है इसी के लो के नीचे आप अपना एसएल लगा लो, स्टॉप लॉस लगा लो, ऐसा भी कर सकते हो आप। लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा और सेफ चलो, इससे पहले वाली कैंडल का जो लो लग रहा है वहां पे एसएल लगा लो, डिपेंडिंग ऑन। अब यहां पे देखो थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना, क्योंकि कुछ लॉजिक आपको भी लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कैंडल तो यहां पे हमें छोटी दिखाई दे रही है, मान लो ये रेड कैंडल इतनी बड़ी होती तो आप यहां पे भी लगा के चला सकते थे, समझ रहे हो ना? तो कुछ नॉलेज आपको भी अपनी एक्सपीरियंस से डालनी चाहिए, कुछ चीजें धीरे धीरे ट्रेड करते हुए समझ में आ जाएगी, पर लेकिन ये चीजें आपको ऐड करनी चाहिए अपने एक्सपीरियंस से। तो समझ गए आप अच्छे तरीके से? अब इसमें एंट्री यानी कि एंट्री का पता चल गया हमें, स्टॉप लॉस का हमें पता लग गया, हमें प्रॉफिट कहां पे बुक करना है, कहां तक मार्केट जा सकता है। एक तो पहली चीज होती है हमारी, वो क्या होता है, अगर आपको रिवर्सल पैटर्न कहीं पे भी नजर आ जाए, जैसे कि हमें ये भी एक रिवर्सल डाउन ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला था, तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, जो कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया। अगर आपको यहां पे कहीं पे भी रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। नहीं तो सिंपल सा तरीका है जो इसका हेड है, काफी लोग क्या कहते हैं, जो आपका पहला ये एसएल है इससे और नेक लाइन की डिस्टेंस जो भी होगी आप उतना ही स्टॉप इतना ही टारगेट यहां लेके चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल सा कहूंगा, हेड है, हेड से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करो जो नेक लाइन तक जा रही हो, सेम वही आपको यहां पे ड्रॉ करनी है और ये आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। समझ गए आप अच्छे तरीके से? लेकिन मैं आपको अभी एक चीज समझा चुका, मान लो इस एग्जांपल को समझोगे नहीं तो आप लोग गलती करोगे। मान लो ये हमारा टारगेट है, ये हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया, ओके यहां तक है टारगेट, लेकिन यहां पे ही कहीं हमें एक रिवर्सल पैटर्न मार्केट में देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें लग रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, रिवर्सल पैटर्न बन गया है या गिरेगा, तो बेहतर क्या है, क्या आप इस टारगेट का इंतजार करना चाहिए? नहीं, आपको अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल लो, फिर से मौका मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? यही लॉजिक आपको लगाना होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, सर आपने टारगेट इतना बोला था, मार्केट तो यहीं से गिर गया, ये टारगेट तो अचीव ही नहीं हुआ, स्ट्रेटेजी फेल हो गई। तो कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती, उसे परफेक्ट बनाते हैं आपके लॉजिक, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपको मार्केट को समझने का जो तरीका है वो उसे परफेक्ट बनाता है ज्यादा से ज्यादा, कि आप मार्केट में कैसे बैठे हो। मान लो यहां पे कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ गया, सेलर्स यहां पे बहुत ज्यादा हावी है और उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया, तो क्या आपको टारगेट का वेट करना चाहिए? मेरे देखो सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट गिरेगा फिर चला जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा, सबकी थ्योरी अलग अलग हो सकती है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है इतना तो प्रॉफिट बुक करो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न तो आपको दिखाई देते ही रहते हैं, एक महीने बाद दिख जाएगा, दो महीने बाद दिख जाएगा, 15 दिन बाद दिख जाएगा, या फिर 2-3 महीने, जब भी दिख जाएगा फिर से मौका मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ट्रेड सेटअप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, एंट्री कहां लेनी है वो समझ में आ गया, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो समझ में आ गया, प्रॉफिट कहां बुक करना है वो समझ में आ गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे
तो वीडियो को वापस जाके देखो, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, वेबसाइट पे जरूर विजिट करना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपका टारगेट क्या रहेगा, सेम यही डिस्टेंस हेड से नेकलाइन तक, और यही आप यहां पे प्लेस कर दो, ये आपका टारगेट हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हमने देखा, पहले तो हम देखेंगे डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर डाउन ट्रेंड बरकरार है। मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर भी डाउन ट्रेंड बरकरार है और मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर से गिरावट दिखाई, तो हमारा लेफ्ट शोल्डर बन गया। फिर मार्केट नीचे आया, लेफ्ट शोल्डर से नीचे आया, हमारा हेड बन गया। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस। देखो अब यहाँ पे समझो, पिछले वाले में हमें क्या दिखाई दे रहा था, मार्केट आया और इस तरीके से मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया, हमारी जो नेक लाइन थी वो ऐसे थी। और यहां पे देखो, यानी कि ये जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा था ये ऊपर था, जो ये दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा था ये नीचे था। यहां पे देखो, जो ये पहला रेजिस्टेंस बन रहा है ये नीचे है, जो ये दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा है ये ऊपर है। इसलिए तो मैं समझा रहा था ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। और यहां पे देखो, लेफ्ट शोल्डर जो बन रहा है ये नीचे है, और यहां पे देखो ये जो राइट शोल्डर बन रहा है ये ऊपर है, यानी कि ये भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहीं पे कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, इसलिए आपको वहां पे मैंने ज्यादा टाइम लगाया, जिससे हर एक बारीकी को और हर एक स्टेप को मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। तो हमें करना क्या है, सिंपल हम क्या करेंगे, एक इसके जो रेजिस्टेंस का हाई है और इसके रेजिस्टेंस का हाई है यहां पे, और आप नेकलाइन ड्रॉ करेंगे, और जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा, आपको यहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है, यहां पे कैंडल की क्लोजिंग भी ऊपर हो रही है, या फिर आप इस वाली कैंडल पे भी ले सकते हैं, ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप अगली कैंडल पे एंट्री बनाएंगे और उससे पहले वाली कैंडल के लो के नीचे अपना एसएल लगा लेंगे, और आपका टारगेट रहेगा ये सिंपल सा, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कर देंगे, ये आपका टारगेट हो जाएगा जितना ये है। अगर बीच में कोई रिवर्सल पैटर्न नजर आ गया तो हम वहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें दिखा, पहला शोल्डर बन गया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर गया रेजिस्टेंस बन गया, फिर मार्केट ने गिरावट दिखाई, फिर यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस वाले शोल्डर से नीचे है, ये हमारा हेड बन गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से हमें रेजिस्टेंस दिखाया, फिर से गिरावट दिखाई, फिर से यहां पे हमारा ये सेकंड वाला शोल्डर बन गया, और ये दोनों शोल्डर से हेड नीचे है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें इंतजार क्या करना है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट इस वाली कैंडल पे बना, अगली कैंडल पे हम अपनी पोजिशन ले लेंगे, और यहां से हेड से नेक लाइन तक हमारा टारगेट हो जाएगा, नहीं तो बीच में कोई रिवर्सल पैटर्न नजर आया वो हो जाएगा, और इससे पहले वाली कैंडल पे हम अपना क्या लगा लेंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखो, डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो यानी कि हमारा पहला शोल्डर बन गया, वहां से गिरावट दिखाई, और जो हमारा पहला शोल्डर बना था उसका भी ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे हमारा हेड बन गया, फिर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गिरावट दिखाई, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, सेकंड शोल्डर बन गया। फिर हमने इसके हाई को, जो पहला रेजिस्टेंस था और दूसरा रेजिस्टेंस था, दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारी नेक लाइन बन गई। जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, अगली कैंडल पे हम अपनी एंट्री ले लेंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा, हेड से नेक लाइन तक जो भी हमारा वो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। समझ गए आप अच्छे तरीके से? ये चीज समझ में आ गई, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है नेक लाइन सा, उससे पिछले वाली कैंडल के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर बीच में कोई रिवर्सल पैटर्न नजर आया तो हम वहां पे भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। समझ में आ गए दोस्तों सारी चीज? वेबसाइट पे जरूर विजिट करना, मैं आपको कहूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं। और इसी तरह की और नॉलेज लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।